थाना एतमादौला क्षेत्र अंतर्गत उस समय सनसनी फैल गई जब महज कुछ घंटों के अंतराल में ही दो शव मिले। दोहरे शवों की सूचना पर थाना पुलिस चकरघिन्नी बन गई। फिलहाल पुलिस मृतक शव की शिनाख्त कर बुजुर्ग की शिनाख्त में जुट गई है। ताजनगरी में लगातार अज्ञात शवों के ग्राफ में इजाफा होता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला थाना एतमादौला क्षेत्र का सामने आया है। थाना एतमादौला क्षेत्र अंतर्गत कटरा वजीर खां स्थित प्राथमिक विद्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब विद्यार्थियों ने विद्यालय के भीतर एक युवक का शव पड़ा देखा। तत्काल विद्यालय प्रबंधक ने शव की जानकारी इलाकाई थाना पुलिस को दी। शव की सूचना मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। मृतक की पहचान पास ही के रहने वाले मोनू के रूप में हुई है। जब तक पुलिस मोनू के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा पाई तब तक पुलिस को एक और बुजुर्ग के शव पड़ा मिलने की सूचना मिली। दोहरे शवों की सूचना पर पुलिस चकरघिनी बन गई। एक शव जो मिला है वो मिला है मोनू सनफ राजकुमार का, जो निवासी है कटरा वजीर खान के, और उनके परिवार के द्वारा बताया गया था कि वो नशे के आदी है। उनका इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु इलाज के कारण हुई है, मतलब बीमारी के कारण हुई है, ऐसा उनके परिवार के द्वारा बताया गया है। और इस बात की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जो दूसरा शव मिला है वो रामबाग चौकी क्षेत्र सीताराम हनुमान मंदिर के पास मिला है। ये अज्ञात व्यक्ति का शव है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम कर इसकी पहचान कराई जाएगी और पहचान कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, उसके परिवार का बताया गया है कि वो और उसका भाई हमेशा कहीं भी सो जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है घर जाके वो सोते हों, नशे के आदी हैं, दोनों सड़क के किनारे कहीं पे सो जाते हैं। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि युवक के शव की शिनाख्त हो चुकी है। गंभीर बीमारी के चलते युवक की मौत हुई थी, जबकि बुजुर्ग के शव को पुलिस पोस्टमार्टम हाउस भिजवा शिनाख्त में जुटी हुई है।